हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एरो हेडल में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। फ्रेंड, मैंने 3 वीडियो पहले ही बना दी हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले आप देख लें, ताकि आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इसकी, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हैज़ एव का यूज क्या होता है, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, ठीक है। और जो वर्ड जिसे हम बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ठीक है, रहा है, रही है, आएगा, लेकिन फ्रेंड उसके साथ टाइम भी दिया होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात की जाएगी तो साथ में टाइम का यूज भी होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे, क्या करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्रेंड ध्यान देना, मैं आपको बार बार पे बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को इसलिए ही क्लिक करा है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, और मैं ये दावा देख सकता हूँ 100% कि आप सीख जाओगे। बस खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो बिना मैं टॉपिक को भटकाए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि देखो फ्रेंड, लिखा हुआ है, इस काल में याद होता है कि कार्य बीते हुए समय में किसी निश्चित समय पर प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यानी हमने पास्ट में काम स्टार्ट करा था, ये बोल रहा है, और वर्तमान समय में जारी है, ठीक है। यानी और उसे हम अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड, आप अपना कोई घर बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें कल एक दीवार खड़ी करी थी और आज अब दूसरी दीवार खड़ी की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर देखो, और इस निश्चय समय को दर्शाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, सोमवार में सिंस मंडे, ठीक है, एक सप्ताह के लिए फॉर यूज किया है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव में जानते हैं कि क्या होता है, इसे कैसे पहचानते हैं। देखो, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ठीक है, ये प्रूलर हैं, उनके साथ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आई एन जी यूज होगा। इसी तरह से ही सी इट, जो कि एक वचन है, उसके साथ हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आई एन जी यूज होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसे देखो, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। जिस तरह से मैथ में फॉर्मूला होता है, इसी तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला ये है, इसको माइंड में सेट कर लेना। जैसे कि सब्जेक्ट ले रखा है इसने, हैज़ हैव का यूज़ होगा, प्लस बीन का यूज़ होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में आईएनजी लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझ जाओगे आप, ठीक है। और साथ में सिंस या टाइम यूज होगा, ठीक है। जैसे कि आज शाम से बादल गरज रहा है, ठीक है, द क्लाउड एक सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है थंडरिंग, ठीक है, आईएनजी आप देख रहे हो, और साथ में इसने टाइम यूज हुआ है, इसे सिंस दिस इवनिंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी तरह से ये सारे बने हुए हैं। जैसा कि सेकंड देखते हैं, नल 2 घंटे से चल रहा है, ठीक है, द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से माला फेर रहा है, लड़का इसलिए ही यूज हुआ है, हैज़ बीन काउंटिंग बीट्स, ठीक है, बीट्स यानी गाने माला के, सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से फोर्थ देखते हैं, मैं 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। हम 3 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, कितने वर्ष से रह रहे हैं, 3 3 मंथ से, ठीक है, मंथ नॉट ईयर से। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर, ठीक है।
नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, देखो नेगेटिव सेंटेंस में हम हैज़ बीन करेंगे यूज और हैव बीन करेंगे, उसके बीच में क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। देखो सब्जेक्ट लगा, हैज़ हैव लग गया, उसके बाद नोट लगेगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लग जाएगी, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सिंस या फॉर के साथ टाइम यूज होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना फ्रेंड, मुझे पता है आप बोर हो रहेंगे, थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा, लेकिन फ्रेंड थोड़ा ध्यान से देख लो, और आपसे एक रिस्पेक्ट और रिक्वेस्ट दोनों कर रहा हूँ आपके लिए। आप एक बुक बना लो ताकि आपको इस तरह के, अगर आप भूलोगे माइंड में, ठीक है, भूलना स्वाभाविक हो जाता है, तो आप इसे लिख लोगे तो आप रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। हम फर्स्ट पे देखते हैं, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे 5 दिन से नहीं नहा रही है, ठीक है। तो ये लड़की के लिए जो है, तो इसलिए सी लगेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हैज़ नॉट बीन टेकिंग बाथ फॉर 5 डे, ठीक है, अगर नहा रहा होता तो ही लगता, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, वह 1 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा है, ठीक है, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 1 आवर, ठीक है। वह कुछ देर से नहीं लड़ रहा है, ठीक है। दे हैव नॉट बीन फाइट फॉर सम डे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हैज़ हैव लगता है और वंत उसके साथ क्या होता है, क्वेश्चन लगा, यानी हमें क्वेश्चन पूछना है उसके अंदर, ठीक है। पहले क्या लग रहा है, सब्जेक्ट लग रहा था, फिर उसके बाद हैव लग रहा था, उल्टा हैव पहले लग रहा है, ठीक है, बाकी सारा सेम है। जैसा आप देख रहे हो, क्या वह 2 दिन से लिख रहा हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 डेज, क्या वह 5 बजे से सो रही हैज़ सी बीन स्लीपिंग सिंस फॉर 5 o'clock, क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हैज़ द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 1 वर्ष से आपके पास रह रहा हैज़ ही बीन लिविंग विथ यू फॉर 1 आवर, ठीक है। क्या बच्चे 4 बजे से खेल रहे हैं, तो हैव द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे की बात की है, ठीक है, इसलिए हैव यूज हुआ है। तो बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, सिर्फ नोट लग जाएगा। जैसे देखो हैज़ हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, फिर बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी, और ये सारा इस टाइप से। देखो क्या कल से वर्षा हो रही है, तो हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। क्या वे 2 साल से फेल हो रहा है, तो हैज़ ही नॉट बीन, क्या वे 2 साल से फेल नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी मिस्टेक के लिए, क्या वे 2 साल से फेल नहीं हो रहा है, तो ही हैज़ ही नॉट बीन फेलिंग फॉर द लास्ट 2 ईयर, ठीक है। ये देखो, क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसे देखो, क्या मैं इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 आवर। इसी तरह से, क्या तुम इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हो, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा आएगा। हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 आवर। अब ये वाला देखो, क्या विजय इस पुस्तक को 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, तो है आएगा, हैज़ विजय नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 आवर। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग करने के लिए।